ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਟੀਪੀਆਂ ਤੇ। जो भी पेरेंट्स का विश होगा बच्चा वहीं जाएगा। अगर पेरेंट्स नहीं रखना चाहते पेरेंट्स सरेंडर करेंगे। सरेंडर करना चाहते हो? सरकार को देना चाहते हो? बस इतनी सी बात है। तो आपको ये पालने नहीं पता कि इतने दिन पालने रखे हुए हैं, आप किसी पालने में छोड़ जाते, उसको मरने के लिए छोड़ दिया आपके घर में। अभी हम लोगों को ये थाना छप्पर से एसएचओ ने फोन किया था कि एक नवजात बच्ची मिली है उनको लवारी सलात में, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब तक हम जगाधरी हॉस्पिटल में पहुँचे तब तक हमें पता चला कि नानी उसकी आ गई है, कि वो उसकी लड़की की बच्ची है। तो यहाँ आके उसके बच्ची के माता पिता दोनों मिले, लड़का नाबालिग है जो उसका फादर है, एंड लड़की भी 18-19 साल की है, और उसकी डिलीवरी भी यहीं सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में हुई थी। लेकिन वो बच्चा इसलिए छोड़ के आए कि वो लड़का ये मानता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो उसके छोटे भाई का है, क्योंकि पिछले शादी को अभी 4 महीने हुए हैं एंड बच्चा पूरा स्वस्थ है, 9 महीने का पूरे का है, तो वो बाद में पता चला कि वो उसके छोटे भाई का है। अभी लड़के के विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है एंड लड़की को हम फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में रख रहे हैं। था तो आप ही का, तो क्यों फेंका इसको? हेलो, घर में ही देना चाहती थी। तीन तीन जान के साथ संबंध है इसका, प्लस इसके घर वाले इतना दबाव दिए इसको कि ये चाहती है कि अगर मेरे को घर में, इसको पहले भी ताना मिला है, बहुत मिला है, इसको बेटी का दर्जा कभी मिला नहीं है, ये भी सुन लो। प्लस उसके बाद इसका ये मैटर है कि अगर बच्चे को ये लेके इसकी माँ पालती है लड़की की, तो इसको ताना मारेंगे कि पति दूसरा है और बच्चा किसी और का है, इसीलिए वो नहीं करती। बच्चा है किसका? वो बच्चा मेरे छोटे भाई का है, उसके बाद मेरे साथ इनके घर वाले शादी कराए, आज बात कुछ पलट रहे। कितनी उम्र है तेरे भाई की? मेरे भाई की तो वही होगा 15 साल, ज़्यादा नहीं है, 15 साल।